स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड चैप्टर बताऊंगा, जिसका नाम है द स्वान एंड द प्रिंस। यह एक नाटक है, एक प्ले है और ये सत्य घटना पर आधारित है। और इस लेसन के बारे में है कि एक सच घटना पर आधारित है और इसमें एक हंस को लेकर देवदत्ता और सिद्धार्थ में कुछ कहासुनी हुई थी, झगड़ा हुआ था। दोनों हंस पे अपना दावा कर रहे थे, तो किस तरह से हंस को किसे दिया गया, इस नाटक में पूरा बताया गया है। और इसके जो कैरेक्टर हैं, मुख्य कैरेक्टर जो है, उसके बारे में दिया गया है। सुदोधन द किंग ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के जो राजा हैं वो सुदोधन हैं। सिद्धार्थ द प्रिंस ऑफ कपिलवस्तु, कपिलवस्तु के प्रिंस हैं, राजकुमार हैं, मतलब सुदोधन के पुत्र हैं। देवदत्त सिद्धार्थ कजिन, देवदत्त सिद्धार्थ का चचेरा भाई है। द चीफ मिनिस्टर एंड फोर अदर मिनिस्टर ऑफ द किंग द डोरकीपर, इसके अलावा मुख्य मंत्री हैं और दूसरे चार अन्य मंत्री भी हैं राजा के, और साथ ही साथ एक द्वारपाल भी है। किंग सुदोधन इज सिटिंग ऑन द थ्रोन, राजा सुदोधन सिंहासन पे बैठे हुए हैं। हिज मिनिस्टर आर सिटिंग अराउंड हिम, उनके जो मंत्री हैं उनके चारों तरफ बैठे हुए हैं। द चीफ मिनिस्टर इज सेइंग समथिंग टू हिम, जो मुख्यमंत्री हैं वह राजा से कुछ कह रहे हैं। जस्ट देन द डोरकीपर एंटर्स एंड बोज टू द किंग, ठीक तभी द्वारपाल प्रवेश करता है, दरबार में आता है और राजा के सामने झुकता है। डोरकीपर, लॉन्ग लाइव द किंग सर प्रिंस देवदत्त वॉन्ट टू कम इन, डोरकीपर या द्वारपाल कहता है लॉन्ग लाइव किंग, राजा आप दीर्घायु हों। सर प्रिंस देवदत्त वॉन्ट टू कम इन, श्रीमान राजकुमार देवदत्त यहाँ आना चाहते हैं। किंग, ब्रिंग हिम इन, अब राजा ने जवाब दिया उसे यहाँ लाओ। द डोरकीपर गोज एंड गोज आउट, द्वारपाल फिर झुकता है और बाहर चला जाता है। चीफ मिनिस्टर आई वंडर व्हाई प्रिंस देवदत्त वॉन्ट टू सी द किंग एट दिस टाइम, अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुझे इस बात पे बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आखिरकार प्रिंस देवदत्त या राजकुमार देवदत्त इस समय राजा से मिलना क्यों चाहते हैं। सेकेंड मिनिस्टर, परहैप्स ही वॉन्ट टू कंप्लेन अगेंस्ट समवन, और दूसरे मंत्री ने जवाब दिया हो सकता है कि वह किसी की शिकायत करना चाहते हों। द डोरकीपर इंटर्स विथ देवदत्त बोथ ऑफ देम बोज टू किंग, अब द्वारपाल देवदत्त के साथ अंदर आता है और दोनों ही झुकते हैं राजा के सामने, मतलब झुक के अभिवादन करते हैं। किंग, व्हाट इज इट देवदत्त, अब राजा पूछते हैं कि देवदत्त क्या बात है। व्हाई हैव यू कम टू मी एट दिस टाइम, तुम इस समय मेरे पास क्यों आए हो। देवदत्त, सर द प्रिंस विल नॉट गिव मी माई स्वान, देवदत्त कहता है कि श्रीमान राजकुमार मेरा हंस मुझे नहीं दे रहा है। आई वॉन्ट जस्टिस फ्रॉम यू, मैं आपसे न्याय चाहता हूँ। किंग स्माइलिंग बी काम, राजा जो थे मुस्कुराते हुए कहते हैं शांत रहो देवदत्त। है सिद्धार्थ टेकन योर स्वान फ्रॉम यू, क्या सिद्धार्थ ने तुम्हारा हंस तुमसे लिया है। देवदत्त, यस सर ही हैज, अब देवदत्त कहता है हाँ श्रीमान उसने ऐसा किया है। आई सॉट इट एंड इट फेल ऑन द ग्राउंड नियर द प्रिंस, मैंने हंस को मारा था और यह प्रिंस के पास जमीन पर गिरा। ही पिक्ड इट अप एंड सेड, उसने हंस को उठा लिया और कहा ही वुड नॉट गिव इट टू मी, और कहा कि वह इस हंस को मुझे नहीं देगा। किंग, दैट्स वेरी नॉटी ऑफ सिद्धार्थ, और राजा ने कहा कि ये तो बहुत शरारत की बात है, सिद्धार्थ ने बहुत शरारत किया है। टू द डोरकीपर गो एंड कॉल हिम, और ऐसा कहते हुए ऐसा राजा ने डोरकीपर या द्वारपाल से कहा और साथ ही कहा कि जाओ उसको बुला के लाओ। द डोरकीपर बोज एंड गोज आउट, द्वारपाल झुकता है अभिवादन करता है और बाहर चला जाता है। थर्ड मिनिस्टर सॉफ्टली टू द फोर्थ मिनिस्टर द प्रिंस इज ए गुड लैड, तीसरा मंत्री जो है वह चौथे मंत्री से बहुत ही नरम लहजे में कहता है कि राजकुमार एक अच्छे लड़के हैं, ही कांट डू ए थिंग दैट्स रॉन्ग,
वह कभी कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो कि गलत हो। फोर्थ मिनिस्टर, आई एग्री विथ यू। चौथा मंत्री कहता है कि मैं आपसे सहमत हूँ। द डोर कीपर इंटर विथ प्रिंस सिद्धार्थ हु हैज ए व्हाइट स्वान इन हिज आर्म। सिद्धार्थ बोज टू द किंग। अब द्वारपाल फिर प्रिंस सिद्धार्थ के साथ दरबार में आता है और प्रिंस सिद्धार्थ की बाहों में वह सफ़ेद हंस था। सिद्धार्थ बोज टू द किंग। सिद्धार्थ भी झुक के अभिवादन करते हैं राजा का। किंग, सिद्धार्थ देवदत्त से दैट यू हैव टेकन हिज स्वान, इज दैट द स्वान विच यू टुक फ्रॉम हिम। अब राजा सिद्धार्थ से कहते हैं कि सिद्धार्थ देवदत्त का कहना है कि तुमने उसका स्वान, उसका हंस ले लिया है, क्या यह वही हंस है जो तुमने इससे लिया है। सिद्धार्थ, योर हाइनेस देवदत्त हैज कंप्लेंट अबाउट दिस साम बट इट इज नॉट हिज, इट इज माइन। सिद्धार्थ का जवाब है कि जहाँपनाह योर हाइनेस, मतलब जहाँपनाह देवदत्त हैज कंप्लेंट अबाउट दिस स्वान, देवदत्त ने इस हंस के बारे में शिकायत किया है, इस पे दावा किया है, बट इट इज नॉट हिज स्वान, लेकिन यह जो हंस है इसका नहीं है, इट इज माइन, यह मेरा है। देवदत्त, नो योर हाइनेस इट इज नॉट हिज। अब देवदत्त कहता है कि जहाँपनाह नहीं, यह इसका नहीं है, इट इज माइन, यह मेरा है। आई शॉट इट विथ एन एरो, मैंने इसे तीर से मारा है। सिद्धार्थ इज टेलिंग ए लाई, सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है। किंग, बी काम देवदत्त, यू से दैट द स्वान इज योर बिकॉज यू शॉट इट, इज दैट राइट। अब राजा कहते हैं कि देवदत्त शांत हो जाओ, तुम्हारा कहना है कि तुमने इस हंस को मारा है, तीर से मारा है, क्या यह सही है। देवदत्त, यस सर दैट इज क्वाइट राइट। अब देवदत्त ने जवाब दिया, हाँ श्रीमान यह बिल्कुल सही है। किंग, व्हाट डू यू से सिद्धार्थ। अब राजा सिद्धार्थ से कहते हैं कि तुम्हारा क्या कहना है सिद्धार्थ, व्हाई डू यू से दैट द स्वान इज योर, तुम ऐसा क्यों कहते हो कि ये हंस तुम्हारा है। मिनिस्टर, नहीं सिद्धार्थ, योर हाइनेस देवदत्त शॉट दिस स्वान बट आई सेव इट्स लाइफ। अब सिद्धार्थ का कहना है जहाँपनाह देवदत्त ने हंस को मारा है लेकिन मैंने इसका जीवन बचाया है, दैट्स वाई इट इज माइंड, और इस कारण से यह मेरा है। मिनिस्टर, हियर हियर, जो मंत्री थे वे कहते हैं सुनो सुनो या ध्यान से सुनो, मतलब उसके कहने से प्रभावित होकर एक शाबाशी वाले स्वर में कहा गया कि ध्यान से सुनो क्या कह रहा है यह सिद्धार्थ। किंग, लिसन सिद्धार्थ, ए छत्री कांट गिव अप व्हाट ही हैज शॉट, डू यू एग्री विथ मी। अब राजा कहते हैं कि सिद्धार्थ सुनो, छतरी उस चीज को नहीं दे सकता जिसे उसने मारा हो, क्या तुम इस बात से सहमत हो। सिद्धार्थ, यस आई डू सर बट ए छतरी कांट गिव अप ए सप्लायंट आइदर। अब सिद्धार्थ का जवाब है, हाँ श्रीमान मैं आपसे सहमत हूँ, छतरी कभी भी अपने मारे को नहीं छोड़ सकता, लेकिन शरण में आए हुए को भी नहीं छोड़ सकता। सप्लायंट आइदर मतलब जो शरण में आ गया तो शरण में आए को भी नहीं छोड़ सकता। दिस वन केम टू मी फॉर प्रोटेक्शन, यह हंस मेरे पास सुरक्षा के लिए आया था। आई कांट गिव इट अप, मैं इसे नहीं दे सकता। देवदत्त, योर हाइनेस दिस इज इनजस्टिस, आई शॉट द स्वान सो इट इज माइन। अब देवदत्त कह रहा है कि जहाँपनाह यह बिल्कुल अन्याय है, मैंने इस हंस को मारा है इसलिए यह मेरा है। किंग, वेल वॉयज आई एम पजल्ड। अब राजा कहते हैं कि बच्चों मैं उलझन में हूँ, मैं फंस गया हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करूँ। इट इज स्ट्रेंज केस, यह एक बिल्कुल ही नया तरह का केस है, नए तरह का विवाद है। आई डोंट नो हाउ टू डिसाइड इट, मैं नहीं जानता कि इसका डिसीजन, इसका निर्णय कैसे लिया जाए। टू द चीफ मिनिस्टर, और यह बात राजा मुख्यमंत्री से कहते हैं और साथ ही कहते हैं, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी सहायता कर सकते हैं। चीफ मिनिस्टर, आई शैल ट्राई योर हाइनेस, मैं प्रयास करूंगा जहाँपनाह। किंग, वेरी वेल देन प्लीज गो अहेड। अब राजा कहते हैं बहुत अच्छा, तो फिर आप शुरू हो जाइए, मतलब प्रयास कीजिए। चीफ मिनिस्टर, प्रिंस सिद्धार्थ एंड प्रिंस देवदत्त प्लीज लिसन टू मी। अब मुख्यमंत्री का कहना है कि राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमार देवदत्त दोनों लोग मेरी बात को सुने। प्रिंस देवदत्त से दैट द स्वान इज हिज बिकॉज ही शॉट इट, एंड प्रिंस सिद्धार्थ से दैट इट इज हिज बिकॉज ही सेव्ड इट्स लाइफ। आई एम राइट। अब मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रिंस देवदत्त का कहना है कि यह हंस उसका है क्योंकि
उसने हंस को मारा है, और प्रिंस सिद्धार्थ का कहना है कि यह हंस उसका है क्योंकि उसने इसकी जीवन रक्षा की है। सिद्धार्थ, यस यू आर राइट। सिद्धार्थ एंड देवदत्त दोनों एक साथ जवाब देते हैं, यस यू आर राइट। सिद्धार्थ और देवदत्त ने एक साथ जवाब दिया, हाँ आप सही हैं, सही कह रहे हैं। चीफ मिनिस्टर, गुड। नाउ प्रिंस सिद्धार्थ प्लीज पुट द स्वान ऑन दिस स्टूल। अब मुख्यमंत्री कहते हैं अच्छी बात है, लेकिन अब राजकुमार सिद्धार्थ आप कृपा करके इस हंस को इस स्टूल पर रख दें। सिद्धार्थ पुट द स्वान ऑन द स्टूल एंड गोज बैक टू हिज प्लेस। द स्वान इज फ्राइटेंड एंड कीप्स लुकिंग एट सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने उस हंस को स्टूल पर रखा और फिर अपने स्थान पर वापस आ गया, और वह जो हंस था डरा हुआ सिद्धार्थ को देख रहा था। चीफ मिनिस्टर, प्रिंस देवदत्त प्लीज कम फॉरवर्ड एंड आस्क द स्वान टू कम टू यू। अब मुख्यमंत्री ने देवदत्त से कहा, राजकुमार देवदत्त आप आइए, आगे आइए और हंस को कहिए कि वो आपके पास आए, अपने पास बुलाइए। देवदत्त, कमिंग फॉरवर्ड, कम टू मी ओ स्वान, कम कम कम। द स्वान ट्रेम्बल एंड क्राइज विथ फियर। देवदत्त आगे आता है और कहता है, कम टू मी, मेरे पास आओ हे हंस, मेरे पास आओ। लेकिन स्वान कांपता है, हंस कांप जाता है और डर से चिल्लाता है। चीफ मिनिस्टर, दैट विल डू प्रिंस देवदत्त। अब मुख्यमंत्री कहता है कि प्रिंस देवदत्त, राजकुमार देवदत्त आपका हो गया। नाउ इट्स योर टर्न टू कॉल द स्वान प्रिंस सिद्धार्थ। लेकिन अब राजकुमार सिद्धार्थ आपकी बारी है इस हंस को अपने पास बुलाने की। देवदत्त गोज बैक एंड सिद्धार्थ कम फॉरवर्ड। देवदत्त वापस चला जाता है और सिद्धार्थ आगे आता है। सिद्धार्थ गोइंग नियर द स्वान, सिद्धार्थ उस हंस के पास जाते हुए कहता है, डियर स्वान डोंट बी अफ्रेड, आई हैव कम टू यू, कम एंड सिट इन माई आर्म्स। प्रिय हंस डरो मत, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ, आओ और मेरे बाहों में बैठ जाओ। द स्वान एट वंस फ्लाइज टू सिद्धार्थ आर्म्स। और जो वह हंस था तुरंत ही उड़कर सिद्धार्थ की बाहों में बैठ जाता है। चीफ मिनिस्टर टू द किंग, योर हाइनेस द स्वान हैज डिसाइडेड द केस। अब वो मुख्यमंत्री राजा से कहता है, जहाँ पना इस हंस ने फैसला कर लिया है, इस बात का फैसला कर लिया है। किंग, इट हैज डिसाइडेड इनडीड। राजा भी कहता है कि हाँ यह तो सचमुच निर्णित हो गया। एंड वी एक्सपेक्ट द डिसीजन, और हम सभी इस डिसीजन को, इस निर्णय को स्वीकार करते हैं। द स्वान बिलोंग्स टू प्रिंस सिद्धार्थ। यह हंस प्रिंस सिद्धार्थ या राजकुमार सिद्धार्थ का होगा। ऑल लॉन्ग लाइफ प्रिंस सिद्धार्थ। और सभी एक साथ कहते हैं, दीर्घायु हो राजकुमार सिद्धार्थ।